साथियों, इस वीडियो में हम हरियाणा के सितंबर 2019 के कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप झाल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हिसार में। तो हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एशिया का अपनी तरह का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। और फिनिश कंपनी फोर्टम और एचएयू जो है वो एक साथ मिलकर धान की पराली से जो है वो फाइबर भी बनाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के लिए किन जिलों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया भिवानी और महेंद्रगढ़ को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के लिए हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ सहित देश के 10 जिलों को सम्मानित किया गया है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 6 सितंबर 2019 को दिल्ली में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुरस्कार 2019 समारोह में जो है इन्हें सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफलतापूर्वक लागू करने तथा लिंगानुपात में सुधार के लिए हरियाणा सहित कितने राज्यों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 5 राज्यों को। तो इन 5 राज्यों में जो है वो हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं जिनको जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 7 सितंबर को बेंगलोर स्थित इसरो मुख्यालय में हरियाणा के कितने बच्चों ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग का जो है वो देखा था? तो ये थे 2 बच्चे। तो हरियाणा के सोनीपत जिले से जो है वो अर्णव सैनी और पंचकुला से निष्ठा शर्मा ने जो है बेंगलोर स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो उस समारोह में भाग लिया था। तो चंद्रयान 2 की लैंडिंग को जो है वो बच्चों के साथ साझा करने और विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बरकरार रखने के लिए जो है वो केंद्र सरकार ने 25 अगस्त को एक ऑनलाइन क्विज करवाई थी। तो इसके लिए पूरे देश में से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2-2 बच्चों का चयन किया गया था। तो जिसमें जो है वो हरियाणा से अर्णव सैनी और निष्ठा शर्मा का चयन किया गया था। नेक्स्ट है, पशुओं के नस्ल सुधार के लिए उनका पंजीकरण और प्रमाणीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है दोस्तों हरियाणा। तो हरियाणा पशुओं के नस्ल सुधार के लिए उनका पंजीकरण और प्रमाणीकरण करने वाला जो देश का पहला राज्य बन गया है। और हरियाणा सरकार द्वारा पशुओं में दूध को बढ़ाने के लिए 4 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें जो है वो आनुवांशिकी, अच्छा पशु चारा, पशु घरों का नियंत्रित वातावरण और नवीनतम तकनीक से जो है वो गर्भाधारण आदि शामिल हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये है दोस्तों हर पशु का ध्यान। तो हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्य में दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने और पशुधन नस्ल सुधार के विजन को आगे बढ़ाते हुए जो है हर पशु का ध्यान नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप पर जो है वो विभाग की 52 सेवाओं की जानकारी जो है उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट, किस हरियाणवी ने 10,000 सूर्य नमस्कार का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है संदीप आर्य। तो दोस्तों, संदीप आर्य ने 4,500 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10,000 सूर्य नमस्कार का नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, मलेरिया मुक्त मेवात अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है अनिल विज ने। तो आपको पता ही होगा कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, इन्होंने मलेरिया मुक्त मेवात अभियान का शुभारंभ किया है। तो इस अभियान के तहत जो मेवात के करीब 2,60,000 लोगों को स्वास्थ्य की जांच और उपचार जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने चीन में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2019 में कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 17 पदक। तो इसमें जो है भारत के खिलाड़ियों ने इस गेम्स में कुल 10 स्वर्ण पदक सहित सारे जो है 17 पदक इसमें जीते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में एयर शटल सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हिसार जिले में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा हिसार जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली जो है एयर शटल सेवा की शुरुआत की थी हिसार में। और इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी शुभारंभ किया था। तो अब जो है हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की गई है और आगे जो है ये हिसार से दिल्ली और आगे हिसार से देहरादून और दूसरी जगहों पर भी इसको शुरू किया जा रहा है।
नेक्स्ट है, हिसार से किस कंपनी ने हवाई सेवाएं सबसे पहले शुरू की है? तो ये की है स्पाइसजेट ने। तो केंद्र सरकार की एक स्कीम है उड़ान, तो इस स्कीम के तहत रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हिसार से स्पाइसजेट ने सबसे पहले अपनी उड़ानें जो है वो शुरू की है। नेक्स्ट है, रोजर फेडरर कौन जो है वो रोजर फेडरर को किसी सेट में हराने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो ये है दोस्तों सुमित नागल। तो यूएस ओपन में भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल ने स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, उनको जो है पहले सेट में इन्होंने पराजित कर दिया था, परंतु बाद में जो है सुमित आगे के सेट्स हार गए थे और मैच नहीं जीत सके थे। तो दोस्तों रोजर फेडरर जो है वो बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं, तो सुमित ने जो है उनको पहले सेट में पराजित कर दिया था। उसके बाद रोजर फेडरर ने कहा था कि ये जो खिलाड़ी है वो आगे चलकर एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। तो दोस्तों सुमित नागल जो वो हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव जेतपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए ई विन सेफ डिलीवरी ऐप और आशा सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था अनिल विज ने। तो दोस्तों ई विन की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो इससे जो है देश में टीकाकरण सप्लाई चेन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए ये एक अभिनव तकनीक है, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के सहयोग से लागू किया गया है। नेक्स्ट है, अम्बाला से दिल्ली के बीच कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन लगाए गए हैं? तो ये लगाए गए हैं 6। तो वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली और अम्बाला के बीच नेशनल हाईवे पर 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन लगाए गए हैं। तो इनमें जो है करनाल के करनाल हो गया, अम्बाला, पीपली, पानीपत, समालखा और राई, इनमें जो ये हैवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, पहलवान सोनिया लाठर को किस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अर्जुन अवार्ड से। तो दोस्तों जींद जिले की रहने वाली है पहलवान सोनिया लाठर, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनके अलावा जो है वो हिसार से पूजा ढांडा को भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, उड़ान योजना के तहत राजकोषीय सहायता के माध्यम से एयर शटल सेवाएं शुरू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये है पहला राज्य। तो दोस्तों उड़ान की जो है फुल फॉर्म है कि उड़े देश का हर नागरिक। तो ये है, तो इस योजना के तहत राजकोषीय सहायता के माध्यम से एयर शटल सेवाएं शुरू करने वाला जो है वो हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस किसान को इंडोनेशिया में इंटरनेशनल अवार्ड मिला है? तो ये है कर्णजीत सिंह। तो कर्णजीत सिंह जो है वो कुरुक्षेत्र के गुमथला गडू के किसान हैं, और इनको 4 सितंबर 2019 को इंडोनेशिया में इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। तो यह अवार्ड जो है वो विश्व स्तर पर एक ही किसान को प्रदान किया जाता है। तो कर्णजीत सिंह ने जो है राज्य में अपने खेतों में पहला सौर ऊर्जा सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट भी लगाया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कितने आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 10। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जो है यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा में 10 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटरों का उद्घाटन किया है। तो इनमें जो है पंचकुला के सेक्टर 9, अम्बाला के 12, कैथल के बरसाना, करनाल के स्टोंडी, जींद के सुलहेड़ा और हिसार के राखीशाहपुर, सोनीपत के माहरा, गुड़गांव के कासन और फरीदाबाद के शाहजहांपुर, और नूह जिले में जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु महिला ई होट नामक पहल को किन जिलों में पायलट आधार पर जो शुरू किया गया है? तो ये किया गया करनाल और पंचकुला में। तो इनमें जो है ये स्टार्ट किया गया है, और जल्द ही जो दूसरे राज्य जो जिले हैं राज्य के उनके अंदर भी इसको शुरू किया जा रहा है। तो हरियाणा में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए जो है महिला उद्यमियों, स्वयं सेवन सहायता समूहों और व्यक्तिगत महिलाओं की सुविधा के लिए जो है महिला ई हाट नामक एक पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋणी किसानों की ब्याज व जुर्माने की कितनी राशि माफ करने की घोषणा की है? तो ये है 4750 करोड़ रुपए। तो अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी बैंकों के ऋणी किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए एक मुफ्त निपटान स्कीम के तहत जो है वो उनके फसली ऋणों के ब्याज व जुर्माने की 4750 करोड़ रुपए की राशि जो है वो माफ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ किस जिले से किया था? तो
तो ये किया था पंचकुला से। तो इस योजना के तहत जो वो गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जो दूसरी जो सरकारी स्कीम्स हैं तो उनके प्रीमियम के लाभ जो वो प्रदान किए जाएंगे, और उसके बाद में जो राशि बच जाएगी तो वो उस परिवार के मुखिया के खाते में डाली जाएगी। तो दोस्तों मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल जो है 6,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस को स्कोच शिखर सम्मेलन है 2019 के दौरान किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है स्कोच कांस्य पुरस्कार। तो हरियाणा पुलिस को जो है वो दुर्गा शक्ति ऐप को स्कोच शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान स्कोच कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो इससे पहले हरियाणा पुलिस को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा सामुदायिक पुलिसिंग के लिए फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की बाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए डॉक्टर सोमवीर मुख्य मूल रूप से जो हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये है रेवाड़ी से। नेक्स्ट है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मूवमेंट की शुरुआत की थी? तो ये की थी फिट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों आपको पता ही होगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, और अभी 29 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, ब्राजील में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड में मनु भाकर ने मिक्स्ड इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। तो ब्राजील में जो आयोजित हुई थी ये शूटिंग वर्ल्ड, इसके मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने जो स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले के घोरिया गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की शूटर यशस्विनी ने शूटिंग वर्ल्ड में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यशस्विनी पानीपत से बिलोंग करती है। तो पानीपत के अटावला गांव के रहने वाली यशस्विनी, इन्होंने जो ब्राजील में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड में सिंगल्स में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों यशस्विनी जो है वो इस स्वर्ण पदक के साथ ही ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली जो है वो देश की 9वीं शूटर बन गई है। क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है कपिल देव। तो क्रिकेटर कपिल देव को सोनीपत जिले में स्थित राय मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों कपिल देव को हरियाणा हरिकेन और पाजी उपनाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स की जो है, और ये देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो ये हरियाणा के लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस के दुर्गा शक्ति ऐप को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आईटी उत्कृष्टता पुरस्कार। तो हरियाणा पुलिस के दुर्गा शक्ति ऐप को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सर्वश्रेष्ठ ई पहल मानते हुए जो है वो आईटी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, दुर्गा शक्ति ऐप जो थी उसको 12 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवार्ड 2019 में हरियाणा के किन दो जो खिलाड़ी जो हैं उनको बेस्ट खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो ये हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। तो मुंबई में आयोजित हुआ था इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवार्ड 2019, इसमें हरियाणा के रेसलर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट खिलाड़ी चुने गए थे। तो विराट कोहली फाउंडेशन और गोयनका ग्रुप जो है ये अवार्ड प्रदान करता है, और यह जो है इस अवार्ड कार्यक्रम का दूसरा सीजन था। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी पहलवान 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर एक रेसलर बन गए हैं? तो ये है दोस्तों दीपक पुनिया। तो 20 साल के हैं दीपक पुनिया, ये 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर एक रेसलर हैं। इसमें तो दीपक पुनिया ने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर मेडल जीता था। और फ्रेंड्स, दीपक पुनिया झज्जर के छारा गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में 13वीं रैंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है हिसार जिले में। तो दोस्तों हिसार जिले में स्थित हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 13वीं रैंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
तो इस कार्यक्रम में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा दिए गए 8 करोड़ गैस कनेक्शनों में से हरियाणा को कितने मिले हैं? तो ये है 7 लाख। तो भारत सरकार ने दोस्तों उज्ज्वला योजना के तहत जो है 8 करोड़ गैस कनेक्शन गरीब लोगों को वितरित किए हैं और इसमें जो है वो हरियाणा के 7 लाख परिवारों को ये कनेक्शन मिले हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो फतेह करने वाले पर्वतारोही वरुण हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं भिवानी से। तो भिवानी के रहने वाले पर्वतारोही वरुण ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो कि 5,895 मीटर ऊंची है और जिसका नाम किलिमंजारो है उसके ऊपर सफलतापूर्वक जो तिरंगा फहराया और हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट है, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी समेत कितने जजों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है? तो ये हैं 4। तो दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जो अभी जस्टिस थे चीफ जस्टिस वो कृष्ण मुरारी थे, तो इनको जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है और इनके साथ में जो है एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस हरिकेश राय को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सहित कुल जो है 34 जज हो गए हैं। नेक्स्ट, हरियाणा कला परिषद द्वारा राज्य के किन शहरों में युवा उत्सव 2019 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है रोहतक और गुड़गांव में। तो फ्रेंड्स, हरियाणा कला परिषद ने 28 और 30 सितंबर को रोहतक और गुड़गांव में युवा उत्सव 2019 का आयोजन किया था और इस उत्सव में विश्व के 35 देशों से लगभग 800 कलाकारों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत हरियाणा के कलाकारों के साथ अपने देश की कला विधाओं को प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इससे पहले जो है पिछले साल हरियाणा कला परिषद ने पंचकुला में इस युवा उत्सव का आयोजन किया था। नेक्स्ट, हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय मासिक मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो यह किया गया है 7,000 रुपये। तो हरियाणा सरकार ने जो है वो ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय 3,500 रुपये महीने से बढ़ाकर अब 7,000 रुपये महीना कर दिया है और इसके अलावा जो है उनको 2,500 रुपये साल के वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा और लाठी और बैंट्री भी उनको दी जाएगी और जो इस लाठी बैंट्री का भत्ता है वो 1,000 रुपये है और साइकिल जो है वो साइकिल के रूप में उनको भत्ता दिया जाएगा जो कि 3,500 रुपये है वार्षिक। नेक्स्ट, हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों को संबंधित क्षेत्रों में हुई मृत्यु की सूचना पंजीकृत करवाने की एवज में कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये है 500 रुपये। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों भी फैसला लिया है कि ग्रामीण चौकीदारों को संबंधित क्षेत्रों में हुई मृत्यु की सूचना पंजीकृत करवाने की एवज में जो है वो 500 रुपये प्रति प्रविष्टि यानी कि प्रति जो रिपोर्ट है उसका मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट, देश की पहली इको फ्रेंडली रैली का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया था? तो ये था रोहतक में। तो रोहतक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली आयोजित की थी जो कि इको फ्रेंडली रैली थी। तो इस रैली के पंडाल में जो है वो पानी की प्लास्टिक की बोतलों और पाउच के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था और इनकी जगह तांबे के लोटे और गिलास से जो है वो पानी पीने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, रेसलर योगेश्वर दत्त और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने किस पार्टी को ज्वाइन किया है? तो ये किया है बीजेपी को। तो ओलंपिक पदक विजेता हैं रेसलर योगेश्वर दत्त और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं संदीप सिंह, इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। तो दोस्तों योगेश्वर दत्त जो है वो सोनीपत के भैंसवाल कला के रहने वाले हैं और संदीप सिंह जो है वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, एचएयू विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालयों में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है अभी दूसरे स्थान पर। तो अभी हाल ही में जब एचएयू विश्वविद्यालय ने 18 पॉइंट की जो है वो रैंकिंग में जंप लगाई थी और इसी के साथ ये कृषि विश्वविद्यालयों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर कौन बने हैं? तो ये है अमित पंघाड़। तो हरियाणा के मुक्केबाज हैं अमित पंघाड़, इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था और ये ऐसे करने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बन गए हैं। तो अमित पंघाड़ ने 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जो है सिल्वर मेडल जीता था
और दोस्तों मित पंघाल ने जो है वो 2019 एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, किस हरियाणवी बेटी ने सेवन समिट अभियान के तहत नेपाल की मनासूल चोटी को फतेह किया है? तो ये है दोस्तों अनीता कुंडू। तो हरियाणवी पर्वतारोही अनीता कुंडू ने सेवन समिट अभियान जो है वो चला रखा है, यानी कि जो विश्व की 7 ऊंची चोटियां हैं उनको ऊपर फतेह करने का। तो इसके तहत जो उन्होंने नेपाल की 26,781 फीट ऊंची मनासुल चोटी को फतेह किया है। सॉरी, अनीता कुंडू जो है वो सेवन समिट अभियान के तहत जो दोस्तों अब तक इंडोनेशिया की कारस्टेंट पिरामिड चोटी, यूरोप की अलब्रुस चोटी, अफ्रीका की किलिमंजारो और अंटार्कटिका की विंसन चोटी को फतेह कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, अनीता कुंडू हिसार जिले के फरीदपुर की रहने वाली है और अनीता ने जो है वो नेपाल और चीन दोनों ही रास्तों से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और वो ऐसा करने वाली पहली पर्वतारोही है। और अनीता कुंडू जो है वो अब तक 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रतीक चिन्ह लोगों का अनावरण किसने किया था? तो ये किया था अनिल विज ने। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रतीक चिन्ह लोगों का अनावरण किया। तो दोस्तों, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है, देश के किस वक्फ बोर्ड ने सबसे अधिक संख्या में वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की है? तो ये है हरियाणा। तो हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा जो देश का हरियाणा वक्फ बोर्ड जो है वो देश का पहला वक्फ बोर्ड है जिसने सबसे अधिक संख्या में वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की है। तो 31 जुलाई 2019 को भारत सरकार के वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम की जारी नेशनल डेटा सूची के अनुसार 8,442 वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने वाला हरियाणा वक्फ बोर्ड जो है वो देश में पहले नंबर पर है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है वो एक साल की हरियाणा करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ बुक भी लॉन्च की है और इसके अलावा इंडिया करंट अफेयर्स की जो है 2019 की एक पीडीएफ बुक बना रखी है हमने। तो अगर आप वो बुक्स लेना चाहते हैं तो उनका लिंक जो है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बुक्स वो जो है वो दोस्तों पेड है, तो वो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर जो वो उनको देख सकते हैं। और हमने जो जितने भी आपको ये करंट अफेयर्स उसमें करवाए हैं पिछले एक साल के हरियाणा के, तो वो उस बुक में कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने किसके द्वारा रचित काव्य पुस्तक अनुभूति माला का विमोचन किया? तो ये रची गई है पूर्णमल सैनी द्वारा। तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री कंवर पाल, इन्होंने रचनाकार श्री पूर्णमल सैनी के द्वारा रचित काव्य पुस्तक अनुभूति माला का विमोचन किया है। तो जो अनुभूति माला पुस्तक है, ये काव्य पुस्तक है, तो इसमें लिखी गई कविताएं पूर्णमल सैनी के जीवन का अनुभव है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को विज्ञान परिषद से हस्तांतरित करके किसे दिए जाने की स्वीकृति हरियाणा सरकार ने प्रदान की है? तो ये है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि सीपीबी को विज्ञान परिषद से लेकर के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सितंबर 2019 तक लगभग कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? तो ये हैं 25,962। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतरीन बनाने हेतु गोद लेने की सुविधा दी गई है? तो ये है फुलवारी योजना। तो दोस्तों, फुलवारी योजना के तहत जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतरीन बनाने हेतु गोद लेने की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मंजीत कादियान 36 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को 2 बार पार करने वाले देश के पहले पैरा स्विमर बने हैं? तो दोस्तों, ये है झज्जर से। तो हरियाणा के झज्जर जिले के दुलबदन गांव के रहने वाले मंजीत कादियान ने
36 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को दो बार पार करने वाले जो है वो देश के पहले पैरा स्विमर बने हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रथम विश्व युद्ध के अमर शहीद विक्टोरिया क्रॉस विजेता रिसलदार बदलू सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया? तो ये किया है झज्जर में। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो इसमें जगदीप धनखड़ है, और इन्होंने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के अमर शहीद थे, विक्टोरिया क्रॉस विजेता रिसलदार बदलू सिंह। तो उनकी प्रतिमा को जो है वो उनके पैतृक गांव ढाकला, जो कि जिला झज्जर में है, वहां पर अनावरण किया। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिन ढूंढा तिन पाइया का विमोचन किया? तो ये पुस्तक लिखी है ओपी सिंह ने। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, हरियाणा के एडीजी पुलिस ओम प्रकाश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक जिन ढूंढा तिन पाइया का विमोचन किया। नेक्स्ट, हरियाणा फिल्म नीति के तहत परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए शासी परिषद का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये हैं सतीश कौशिक। तो हरियाणा सरकार ने जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक को हरियाणा फिल्म नीति के तहत परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए शासी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है वो इस परिषद के उपाध्यक्ष होंगे, और इसके अलावा सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के जो महानिदेशक होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे। नेक्स्ट, हरियाणा में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और उनका हल तलाशने के लिए कौन समंच जो है स्थापित किया गया है? तो ये है सखी मंच। तो हरियाणा में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और उनका हल तलाशने के लिए जो है वो सखी मंच स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं, तो उनका आंसर आप अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपको बताना है कि भाखड़ा डैम का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि भाखड़ा डैम का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, आपको एक तो ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हरियाणा में तीसरी बार जो है वो राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था। दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल संदीप धाले एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स और अन्य वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।